अनुपमा के सामने आने वाला है छोटी अनु का सच। इसके बाद वो क्या करेगी? वेल, आपको बता दें, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे आद्या जो है वो कहीं ना कहीं घटिया चालें चली जा रही है। वो बार बार ऐसी चीजें क्रिएट कर रही है ताकि अनुपमा की लाइफ में प्रॉब्लम आ सके। अब छोटी अनु जो है इतना नीचे गिरने वाली है कि अनुपमा से दुश्मनी निकालने के लिए केंजल की बेटी परी को बंद करने वाली है रूम में, जिसके बाद अनुपमा को पता चलने वाला है कि ये सब कुछ किसने किया। चलिए बताते हैं सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में क्या होने वाला है। अनुपमा की जिंदगी से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। श्रुति को आप देखिए, श्रुति किस तरह से अनुज के लिए पागल हुए जा रही है। यही होता है, वीडियो कॉल आता है जहां पर श्रुति जो है वो बैठी होती है और छोटी अनु अनुज बात करते हैं, जहां पर वो दोनों जो है मेहंदी की रस्मों के बारे में बताते हैं और गलती से अनुज के मुंह से अनुपमा की तारीफ निकल जाती है, जिसके बाद श्रुति को थोड़ी सी जलसी होती है। लेकिन यहां आद्या जो है वो बातों को संभालती हुई नजर आती है। फिर आप देखेंगे किस तरह से श्रुति जो है वो अपने हाथ पर अनुज का नाम लिखती है और कहती है मेरे हाथों पर तो अनुज का नाम लकीरों में लिखा हुआ है, जिसके बाद अनुज थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि कैसे ये पागलों की तरह मुझसे प्यार करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कैसे अनुपमा जो है वो निकलने की बात करती है तो वनराज उसे टॉन्ट करता है। वनराज कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ से तो जा रही हो टीटू के साथ और बाहर कहीं गली में अनुज अपनी गाड़ी लेके खड़ा हो। तो इस पर अनुपमा जो है वनराज को झाड़ती है और कहती है कैसे आपकी सोच बार बार और गिरती ही रहती है। वही वनराज शांत हो जाता है, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब छोटी अनु को देखिए किस तरह से वो कहती है सॉरी अनुपमा जोशी, अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ, आपसे बदला लेने के लिए, आपको परी बहुत प्यारी है ना, तो देखो मैं परी के साथ क्या करती हूँ। अब छोटी अनु ने यहाँ पर परी को एक रूम में लॉक कर दिया है, जिसके बाद वो चली गई है। अब आप देख सकते हैं अनुपमा जो है परी को ढूंढती हुई एक रूम तक पहुँच जाती है। अब जैसे ही अनुपमा देखती है कि रूम लॉक है और किसी के मेहंदी के निशान इस पर है, तो वो जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि वहाँ परी जो है वो बेहोश गिरी है। अब परी को वो उठाती है, अपनी गोद में प्यार से सहलाती है। लेकिन अनुपमा को अब शक होने वाला है कि ये सब कौन करेगा और इतनी बदतमीजी कौन कर सकता है। अब अगले दिन अनुपमा को पता तो जरूर चल जाएगा कि ये सब कुछ छोटी अनु ने किया है, क्योंकि जो मेहंदी वाला निशान है वो अनुपमा को मिल जाएगा। वेल, आप क्या कहना चाहते हैं सारी चीजों को लेकर, छोटी अनु और अनुपमा के रिश्ते को लेकर कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।